रूपा जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि सरसों जो कि 8,300 तक टूटती हुई नजर आ चुकी थी, आज देख रहे हैं कि एक बार फिर से उसके अंदर खरीदारी निकल के सामने आ रही है। सरसों 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, 8600 के घरों में है। रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरसों में खरीदारी निकल के सामने आई है और जो स्टॉक है उसकी शॉर्टेज है भारत के अंदर सरसों में, तो आपको क्या लगता है, क्या आगे कीमतें एक बार फिर से 8,800 से लेकर 9,000 तक जाती हुई नजर आ पाएंगी? देखिए, एडिबल ऑयल पैक ने अभी वापस से जो है वो खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्योंकि अखिलेश अभी लगता है कि यहाँ पर जो है फेस्टिवल सीजन की एक डिमांड निकल सकती है, जिसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी जो है दिवाली के चलते मुझे लगता है कि आगे तेल की डिमांड जो है और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि हाजिर मंडियों में वापस से तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, और तेल की जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफी कम होती दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि आप सरसों के अंदर वापस से तेजी बन सकती है, तो सरसों के अंदर करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि सरसों में वापस से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। जानकारों द्वारा दिए जा रहे हैं कि सरसों का कितना स्टॉक है पूरे देश भर में, वो लगभग 30 लाख टन का बताया जा रहा है, जिसमें से रोजाना खपत भी हो रही है। और दूसरा, अभी फसल आने में कुछ महीनों का वक्त है, और तब तक देखना होगा कि क्या इतना स्टॉक बाकी जो बचे हुए महीने हैं उनको कवर अप कर पाएगा या नहीं। अगर कवर अप नहीं कर पाता है तो सरसों की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। और अब दूसरा, सर्दियां आने वाली है, दालों की खपत कम हो जाती है और हरी साग सब्जियों की खपत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सरसों का जो कंजप्शन है वो ज्यादा देखने को मिलता है मस्टर्ड ऑयल का, जिसकी वजह से सरसों तेल की जो खपत है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी और कीमतें तेजी की ओर जाती हुई नजर आ सकती है।